हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सोशल मीडिया पर चल तो बहुत कुछ रहा है। कुछ मीडिया वालों के हिसाब से चंद्रयान के लिए सीमा हैदर ने जो व्रत रखा है वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। इंस्टाग्राम के हिसाब से अरविंद भैया ही आपके सच्चे साथी हैं, उनका कहा ही देश की सबसे बड़ी खबर और मुद्दा है। बाकी सोशल मीडिया का क्या ही कहना, उसने तो जिम्बाब्वे के मशहूर क्रिकेटर रहे हीथ स्ट्रीक को मार ही डाला था, बाद में पता चला खबर फर्जी है। सबके अलावा सोशल मीडिया पर क्या चला वो मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया पर छाया रहा एक ही नाम, चंद्रयान 3। लैंडिंग के बाद लोग क्या बोले, हॉस्पिटल में बरसे ऐसा पानी तो उसको चिकित्सा ही घोषित क्यों नहीं कर देते। बरसात देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, हेलमेट लगवा देती है और पिक ऑफ द डे करेंगे बात, गलती गेट की है या गाड़ी की। सोशल मीडिया का आज का सबसे बड़ा कीवर्ड रहा चंद्रयान 3। कौन सा ट्रेंड रहा होगा जो इस शब्द से जुड़कर नहीं चला। लोगों का सारा प्यार, उत्साह, इंतजार, एक्साइटमेंट, सारी आशाएं, राजनीति भी मजे, टांग खिंचाई, किसी के कहे पर गुस्सा, सब चंद्रयान के इर्द गिर्द घूमते रहे। आज चंद्रयान कोई मिशन नहीं, भावना बना दिखा। #चंद्रयान3, बिग डे फॉर इंडिया, #अरेस्ट प्रकाश राज, हिंदी में चंद्रयान3, विक्रम लैंडर, लैंडर मॉड्यूल, इंडिया ऑन द मून, नासा, चंदा मामा, लाइव टेलीकास्ट, दक्षिणी ध्रुव, फिंगर्स क्रॉस्ड, एवरी इंडियन, मून टुडे, सारे शब्द ट्रेंड होते मिले। माने आम दिनों में चलते रहे होंगे ट्रेंड, आज तो पूरे पूरे वाक्य ट्रेंड हो रहे थे। और शाम होते होते जिस चीज का इंतजार था, चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा, विक्रम लैंडर सकुशल उतर गया। लैंडिंग के समय से पहले बड़े क्यूट से पोस्टर चल रहे थे कि चंदा मामा संभाल लेना। प्री रक्षाबंधन कैप्शन के साथ भी बड़ा प्यारा सा ग्राफिक दिखा, लिखा गया साथ में कि इसने दिल जीत लिया, धरती माँ चंदा मामा को राखी बांधती आज नजर आएगी। 14 जुलाई को इसरो ने साइकिल से चांद तक वाली जो तस्वीर डाली थी वो भी आज खूब चली। लोग भावुक हो गए, बोले सपेरों और मदारियों का देश कहकर मजाक उड़ाते थे हम, चंदा को मामा कहकर अपने पास बुलाते थे, उनके तंज को हम अनसुना करके खिलखिलाए, आज मामा की गोदी में हम ही सबसे पहले आए। चंद्रयान 3 उन करोड़ों अनोखी चिट्ठियों की सौगात लेकर गया है जो हिंदुस्तान का हर बच्चा छुटपन में अपने चंदा मामा को भेजता है। तकनीक के प्रयोग के साथ लोग खुशी मनाते दिखे। चांद को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया और लिखा गया कि चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने 3D रेंडर निकाला है। और जैसे ही मिशन सफल हुआ खुशियां तैर गईं, लोग लिखने लगे हमारा अधूरा टूटा हुआ सपना आज पूरा हुआ, वी केम बैक विद अ रोर, किसी ने कहा मुट्ठी में चांद। मौके पर इसरो हीरो रहा, उसने जो ट्वीट किया कुछ ही मिनटों में वो लाखों लाइक तक जा पहुंचा, उसके लाइक्स और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसरो का जो लाइव चल रहा था इस यूट्यूब पे वो भी मिलियंस में लोगों ने देखा। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये वाला ट्वीट भी इस महीने का सबसे लाइक किया जाने वाला ट्वीट बन जाए बहुत ही जल्दी। के सिवान की तस्वीरें चली कि कमबैक ऐसा करो कि 140 करोड़ भारतीय खुश हो जाएं। पीएम मोदी ने जो कहा वो भी दोहराया गया कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा एक टूर के। एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज खूब चली, इसे द प्राउडेस्ट पिक्चर ऑफ ऑल टाइम कहा गया। वर्ड प्ले हुए कि जो दूसरों से नहीं हुआ वो इसरो ने कर दिखाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौके पर ट्वीट करके खुशियां बांटते मिले तो लोगों ने मजे में उन्हीं का चांद पर है अपुन वाला मीम चला दिया। एसके सर ने लिखा कौन कहता है चांद पे पहुंचा जा नहीं सकता, एक चंद्रयान तो तबीयत से बनाओ यारो। वीडियो तो शिमला के एक अस्पताल का बताया जा रहा है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अस्पताल के साथ लोल हो जाए तो क्यों ना हाइड्रोथेरेपी की जाए। उसमें सौना, भाप स्नान, पैर स्नान, कॉन्ट्रास्ट थेरेपी और वाटर थेरेपी जैसी चीज़ें होती हैं, सब में पानी का इस्तेमाल होता है। तो अगर अस्पताल के एक वार्ड में बरसात में ऐसा पानी बरसे तो इसको करप्शन क्यों माना जाए, हाइड्रोथेरेपी की शुरुआत क्यों नहीं मानी जाए। मैं तो कहता हूँ अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐसे ही टपकने देना चाहिए। इंसान बीमार होकर आएगा, जान बचाने के लिए पानी में तैरेगा और स्विमर बनकर लौटेगा और फिर हो सकता है कि ओलंपिक्स में गोल्ड ले आए। बरसात जब देती है छप्पर फाड़ के देती है वाला ऐसा ही सीन लखनऊ से भी सामने आया। 22 अगस्त को वहाँ तेज पानी गिरा तो लखनऊ के कपूरथला के नगर निगम Zone 3 ऑफिस में सीलिंग से पानी लीक होने लगा, छत का प्लास्टर गिर गया, कहीं ईंटें गिरी, कहीं मलबा गिरने से फ्लोर की टाइल्स तक टूट गई। टूटी टाइल्स का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चला और चली तस्वीरें कि सिर का भी टाइल्स वाला हाल ना हो जाए, इससे बचने के लिए लोग हेलमेट पहनकर ऑफिस के अंदर काम करते दिखे। तस्वीरें वायरल हैं और बाकी सरकारी अधिकारी सरकारी से जवाब भी दे रहे हैं कि ऑफिस में रिनोवेशन का काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये काम भी पूरा मत करो,
बाकी सारी सड़कों पर भी ऐसी ही छतें बनवा दो। इंसान जब बाइक चलाते हुए घबराएगा तो ऐसा घबराएगा कि कम से कम सड़क पर हेलमेट लगा के बाइक चलाएगा, सबका फायदा। सोशल लिस्ट में अब बात है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में करते हैं बात रेडिट से आए एक वीडियो की। प्लूटो अंडरस्कोर एन नाम की यूजर ने हुज एट फॉल्ट कार और द गेट कैप्शन के साथ रेडिट पर एक वीडियो डाला। कार और एक गेट के टकराने का है। इसको देखिए, सोचिए, पछताइए और फिर बताइए गलती किसकी। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।